हेलो एवरीवन, तो आज का हमारा प्रॉब्लम है बाइनरी सब एरेज विद सम। इस क्वेश्चन में हमें एक एरे दिया हुआ है नम्स और एक है इंटीजर गोल, और हमें इसमें देखना है कि कितना सब एरे है इस एरे में जिसका सम गोल के इक्वल है। तो आइए इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है यहाँ पे 10101 और गोल है हमारा 2। इसमें अगर हम देखें कि कितने सब एरे होंगे जिसका सम गोल के इक्वल होगा, तो एक तो सब एरे ए है 101, एक हो गया 1010, एक हो गया 101 और एक यहाँ से 0101। जैसे 101 1010, फिर से 101 और लास्ट में हो गया 0101। तो ऐसे चार सब एरे हैं जिसका सम 2 के इक्वल है। तो इसका अप्रोच कैसे होगा वो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा एरे है 0 1 0, इसको अच्छे से 1 0 1 0 1, इसको अगर हम लोग देखें, इस मान लीजिए एक हम लोग सम ले लेते हैं 0 से इनिशियलाइज करके, और पूरा जो एरे में ट्रेवर्स करते जाएंगे और उसमें एरे के एलिमेंट को सम करते जाएंगे। तो सम यहाँ पे आया तो 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2 2 प्लस 1 3। यहाँ पे देखिए तो एक ये एरे मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक का सम 2 है, एक यहाँ से यहाँ तक का सम 2 है, और अगर हम 3 पे आते हैं तो 3 माइनस 2 अगर हम देखें, जैसे यहाँ तक का सम 1 है तो बाकी का सम 2 होगा। अगर ये सम 1 है तो बाकी का सम 2 होगा क्योंकि पूरा का सम 3 है। ऐसे ही देखें तो यहाँ से यहाँ तक का भी सम 1 है, तो इस यहाँ तक का सम 2 होगा। इसमें जैसे सम 1 में 1 0 आ रहे हैं, इसमें 1 0 1 आ जा रहे हैं, इसमें सिर्फ 1 आ रहा है, इसमें 0 1 0 1 आ रहा है। तो ऐसे करके हम लोग एक अप्रोच निकालिए जिसको हम लोग हैश मैप के थ्रू उसका सारे इंडेक्स पे सम स्टोर कर लेंगे और आगे चल के चेक करते रहेंगे कि अगर रनिंग सम 2 गोल के इक्वल आ जाता है तो हम लोग काउंट इंक्रीज कर देंगे, और अगर उससे ज़्यादा आता है तो उतना सम माइनस गोल करके चेक कर लेंगे कि हैश मैप में वो प्रेजेंट है कि नहीं। देखते हैं एक ड्राई रन करके इसका। जैसे नम से हमारा 1 0 1 0 1, तो हम लोग सम लिए हुए हैं 0 और एक काउंट ले लेते हैं 0, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ सब एरेज स्टोर करेंगे और हम लोग एक हैफ मैप लेते हैं, और सम करते गए 0 प्लस 1 1, तो हैफ मैप में चेक किए तो अभी 1 प्रेजेंट नहीं है, तो 1 पे इंडेक्स 0 डाल दिए। यहाँ पे इंडेक्स नहीं डालते, यहाँ पे काउंट स्टोर कर लेते हैं 1 कितने बार आया। यह है सम और यह है काउंट, काउंट ऑफ दैट सम। तो देखिए 1 1 टाइम आ चुका है, अब 1 प्लस 0 किए तो 1 आया, तो 1 एक बार पहले आ चुका था, अब इसको इंक्रीज करके 2 कर दिए। उसके बाद फिर से सम किए तो 1 प्लस 1 2। अब देखिए हमारा सम इज इक्वल टू गोल आ चुका है, अगर सम इज इक्वल टू गोल आ जाए तो हम लोग सीधे काउंट को इंक्रीज कर देंगे, तो हमारा काउंट बढ़ के 1 हो गया। अब देखिए यहाँ 2, अब फिर से 2 को हैश मैप में पुट कर दिए और उसका काउंट 1 हो गया, और फिर से 2 प्लस 0 2, और फिर से 2 आ गया सम, तो फिर से सम इज इक्वल टू गोल हुआ, तो फिर से काउंट को एक इंक्रीज कर दिए।
तो ये काउंट टू हो गया, और यहाँ पे टू के वैल्यू में इंक्रीज कर दिए टू, और फिर से आगे बढ़े तो 2 + 1 3 आ गया। अब 3 को चेक करेंगे, अगर मैप डॉट फाइंड सम माइनस गोल इज नॉट इक्वल टू मैप डॉट इंड है, मतलब अगर सम माइनस गोल जो है, मतलब 3 - 2 है हमारा गोल, जैसे गोल यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो हम लोग चेक किए कि सम 3 - 2 मतलब 1% है या नहीं, 1% है। तो अगर 1% है तो हम लोग काउंट में काउंट प्लस इज इक्वल टू मैप ऑफ सम माइनस गोल कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे काउंट प्रेजेंट था तो मैप ऑफ सम माइनस गोल कितना हुआ, तो मैप ऑफ सम है हमारा 3, गोल है 2, तो मैप ऑफ 1, मैप ऑफ 1 में वैल्यू स्टोर है 2, तो यहाँ पे 2 से काउंट इंक्रीज कर दिया, तो 2 + 2 4 हो गया, और फिर हमारा लूप ख़त्म हो गया। तो हमारा जो आउटपुट हुआ वो हो गया काउंट बराबर 4, यही हम लोग को रिटर्न कर देना है। तो और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हुआ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ एक बार हम लोग एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं तो बिग ओ ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ओ ऑफ एन होगा क्योंकि हम लोग हैश मैप का यूज कर रहे हैं। तो आइए अब हम लोग इसको कोड करके देख लेते हैं। तो हम लोग को एक पहले एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेना है इंट इंट टाइप का, उसके बाद एक सम वेरिएबल लेना है, 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं उसको, और एक काउंट, उसके बाद हम लोग लूप में फोर लूप लगा के ट्रैवर्स कर लेंगे एरे को। और उसके बाद हम लोग को सम करते जाना है एरे के एलिमेंट को, और अगर हमारा सम रनिंग सम गोल के इक्वल आ जाता है तो हम लोग काउंट को इंक्रीज कर देते हैं, नहीं तो फिर हम लोग चेक करते हैं सम माइनस गोल का। अगर सम माइनस गोल मैप में प्रेजेंट है तो हम लोग काउंट इंक्रीज कर देते हैं जितना मैप में उसका वैल्यू है। और उसके बाद हम लोग सम को मैप में चेक कर लेते हैं, अगर सम प्रेजेंट है तो उसका काउंट इंक्रीज कर देते हैं, अगर सम प्रेजेंट नहीं होता है तो हम लोग मैप ऑफ सम का वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। यहाँ पे सम मैप में प्रेजेंट है तो मैप ऑफ सम का काउंट इंक्रीज कर दिए, अगर मैप में प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग मैप ऑफ सम में आई स्टोर करवा देते हैं। वन से इनिशियलाइज कर देते हैं मैप को, और उसके बाद हम लोग पूरा लूप ट्रैवर्स करने के बाद रिटर्न कर देते हैं काउंट। चलिए हमारा कोड कंप्लीट हो गया, इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। ये सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं और सबमिट करने पे, चलिए हमारा कोड सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुका है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रॉब्लम के साथ।